रीवा जिले में लगभग 16,27,000 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। कोरोना से बचाव के लिए हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 3 डोज लगवाना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों ने पहले 2 डोज लगवा लिए हैं तथा वैक्सीन की तीसरी डोज की पात्रता हो गई है, वो सभी टीका अवश्य लगवाएं। आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रिकॉशन डोज लगाना अनिवार्य है। बैठक में श्री वानखेड़े ने कहा कि 27 जुलाई को जिले के शहरी क्षेत्रों तथा विकास खंड मुख्यालयों में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज के लिए शिविर लगाए जाएंगे। सभी अधिकारी कर्मचारी स्वयं प्रिकॉशन डोज के टीके लगवाएं, साथ ही अपने परिवार के पात्र सदस्यों को भी प्रिकॉशन डोज के टीके अवश्य लगवाएं। ये टीका पूरी तरह से निःशुल्क लगाया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीयन के बाद भी टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित टीकाकरण दल तैनात करें, साथ ही अलग से पंजीयन के लिए टीम भी तैनात करें। वहीं सभी टीकाकरण केंद्रों का निर्धारण करके उसमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। इस दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनएन मिश्रा ने बताया कि प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए जिले में 27 जुलाई, 3 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त, 14 सितंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। जिले में 16 लाख से अधिक प्रिकॉशन डोज के पात्र व्यक्ति हैं, जिन्हें वैक्सीन लगाने के लिए प्रत्येक बुधवार और शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं हर सप्ताह 1,90,000 व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों का सहयोग भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।